हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डाटा ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब कि जो डाटा ट्रांसमिशन है वो एक जगह से दूसरी जगह किस माध्यम से डाटा ट्रांसमिट होता है। मीडियम का मतलब क्या होता है? माध्यम। तो इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो डाटा है, जो डिजिटल डाटा है, वो एक जगह से दूसरी जगह किस माध्यम से ट्रांसफ़र होता है, मतलब क्या क्या माध्यम है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के। तो इसे हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कह सकते हैं, या ट्रांसमिशन मीडिया कह सकते हैं, या कह सकते हैं कम्युनिकेशन मीडिया, कि माध्यम क्या है कम्युनिकेशन करने का। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है इसमें हम इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम हर एक डाटा की बात कर रहे हैं, हर एक डिजिटल डाटा की बात कर रहे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। इसमें चाहे तो टीवी नेटवर्क आ गया, या फिर फ़ोन नेटवर्क आ गया, इंटरनेट आ गया, हर एक चीज़ जो डिजिटल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो थोड़ा सा पहले ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द वे इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द वे एक रास्ता है, इन विच जहाँ डाटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट प्रोवाइड्स अ पाथवे ओवर विच द मैसेज कैन ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ईच ऑफ द मैसेज कैन बी सेंड इन द फॉर्म ऑफ डाटा बाय कन्वर्टिंग दैम इंटू बाइनरी डिजिट्स। These binary digits are then encoded into a signal that can be transmitted over the appropriate medium. मतलब क्या हुआ, जब भी हम कोई मैसेज या कोई फाइल या कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वो क्या होता है, वो बाइनरी डिजिट्स में जाता है। तो पहले क्या होता है, डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट होता है, देन फ्रेम्स में कन्वर्ट होता है, देन वो फ्रेम्स जो है एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। वो भी जाते कैसे हैं, बाइनरी डिजिट्स में जाते हैं, मतलब वो बाइनरी डिजिट्स एनकोड होती है सिग्नल्स में। सिग्नल्स कैसे, मतलब हाई लो वोल्टेज में जाती हैं एक जगह दूसरी जगह पे। ठीक है, देन जब वो दूसरी जगह पहुंच जाती हैं तो वो फिर से वो फ्रेम्स में पैकेट में कन्वर्ट होती हैं, फिर देन वो पूरा एक मैसेज बन जाता है, या पूरा एक डाटा दोबारा से बन जाता है। तो यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो वो डाटा है या डिजिटल डाटा है वो एक जगह दूसरी जगह किस माध्यम से जा रहा है, उसके कौन कौन से माध्यम हैं। देखिए, अगर बेसिकली देखा जाए तो इसके दो ही रास्ते हैं। पहला है वायर्ड मीडिया या वायरलेस मीडिया, मतलब गाइडेड और गाइडेड मीडिया। सिंपल है, हम या तो वायर के थ्रू भेज सकते हैं या बिना वायर के भेज सकते हैं। वायर्ड मीडिया को हम गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, मतलब जो डाटा है वो कि वायर के जरिए जा रहा है, यानी गाइड होके जा रहा है वायर से। अनगाइडेड मीन्स वो हवा के माध्यम से या वो वेव्स के जरिए जा रहा है, कोई गाइड नहीं हो रहा है किसी एक तरफ। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि वायर्ड मीडिया क्या होता है। ठीक है, इनके टाइप्स क्या होते हैं। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया आर द केबल्स दैट आर टेंजिबल या फिजिकल एग्जिस्टेंस। सिंपल, ये जो केबल हैं उनको टेंजिबल होते हैं, इन्हें छू सकते हैं, या फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। इन्हें हम वायर्ड भी ट्रांसमिशन मीडिया बोल सकते हैं, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया बोल सकते हैं, या बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया बोल सकते हैं। बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया हैविंग कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन यूजिंग केबल्स और वायर्स। दीज सिग्नल्स हैव टू ट्रैवल थ्रू दिस चैनल आई फिजिकल मीडिया। ठीक है, सिंपल है, जो वायर ट्रांसमिशन मीडिया है उसे हम केबल्स के जरिए हम भेज सकते हैं। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में जो केबल्स हैं वो तीन तरह के आते हैं। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल्स, इसके नाम से समझो, ट्विस्टेड मीन्स जो ट्विस्ट हो रहे हैं, पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं वो कॉपर से बनी हुई हैं, ये आपस में ट्विस्ट हुए हुए हैं और पेयर्स में आते हैं। इनके ऊपर ये इंसुलेटेड स्ट्रेट लगी हुई है। तो थोड़ा देख लेते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या हैं। पेयर है कॉपर वायर्स का, ये कॉपर वायर्स है, इनका पेयर है। कॉपर वायर्स आर द मोस्ट कॉमन वायर्स यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंस एट लो कॉस्ट। ए ट्विस्टेड पेयर केबल्स कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स। जैसे मैंने बताया कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो बने हैं टू कंडक्टर्स से बने हैं, ईच विद इट्स ओवन प्लास्टिक इंसुलेटर। हर एक का अपना एक प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल मीडिया, जो ट्विस्टेड होता है टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल मीडिया। आउट ऑफ दीज टू वायर्स ओनली वन कैरीज एक्चुअल सिग्नल्स एंड अनदर इज यूज्ड फॉर ग्राउंड रेफरेंस। इन दो वायर्स में से एक जो वायर होती है वो एक्चुअल सिग्नल ट्रांसमिट करती है और दूसरा यूज होती है ग्राउंड रेफरेंस के लिए। आइडेंटिफाई एवरी केबल्स, दीज केबल्स आर कलर कोटेड। ये जो केबल्स होती हैं ये कलर कोटेड होती हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। द ट्विस्ट बिटवीन वायर्स आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग नॉइस एंड क्रॉस टॉक्स। देखिए, ये जो केबल्स ट्विस्ट होती हैं वो हेल्प करती हैं नॉइस को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करते हैं जो ट्विस्ट होते हैं, इसलिए आपस में ट्विस्ट होती हैं। दिस टाइप ऑफ केबल्स इज़ यूज्ड इन टेलीफोन लाइन्स टू प्रोवाइड वॉइस एंड डाटा चैनल्स। ये जो केबल्स है सबसे ज़्यादा टेलीफोन लाइन्स में यूज होती हैं, जहाँ प्रोवाइड करवाती हैं हमें वॉइस एंड डाटा चैनल्स। तो अब थोड़ा जान लेते हैं कि ट्विस्टेड जो केबल्स हैं कितने टाइप्स की होती हैं। देखिए, ये भी टू टाइप्स की आती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इसमें एक आती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यानी कि यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इसमें कोई शील्ड नहीं होती है। और दूसरी आती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी, यानी कि जिसमें एक सिल्वर फॉइल लगी होती है मेटल की। ठीक है, सिंपल है, इसमें दोनों सेम काम करती हैं, बस इसमें शील्ड नहीं होती, इसमें शील्ड होती है, एक मेटल फॉइल लगी होती है, दोनों का सेम ही काम है, बस ये थोड़ी महंगी आती है, थोड़ी सस्ती आती है। तो थोड़ा सा पहले अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या होते हैं। तो अनशील्डेड यूटीपी यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज़ मोर कॉमन। यूटीपी कॉस्ट यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की जो कॉस्ट है वो कम होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के। ठीक है, एंड ईजिली अवेलेबल होती है ड्यू टू इज मैनी यूज़। ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट यूटीपी केबल यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड टेलीफोन कनेक्शंस। यूटीपी केबल कंसिस्ट ऑफ 2 और 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड केबल्स। ये जो केबल्स हैं ये 2 और 4 पेयर्स में आती हैं। केबल्स विथ 2 पेयर यूज RG11 कनेक्टर्स एंड 4 पेयर केबल्स यूज RG45 कनेक्टर्स। अब ये RG11 और RG45 कनेक्टर्स क्या हैं तो उनके बारे में जानते हैं। देखिए, RG11 कनेक्टर होते हैं टेलीफोन में और RG45 होते हैं इथरनेट में। तो थोड़ा सा इसका डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, यह है हमारा RG11 कनेक्टर, यह है RG45, ये इस तरह की होती है। ये RG11 कनेक्टर है, ये RG45 है। ठीक है, ये होता है हमारा फ़ोन में और ये होता है हमारा इथरनेट, इंटरनेट के लिए। आपने देखा होगा, आपने इंटरनेट में लगाया होगा राउटर के थ्रू या बेसिकली। तो ये कनेक्टर है RJ45, ये है RJ11। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं RJ कनेक्टर इज़ यूज्ड विद इथरनेट केबल्स इन कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड RJ11 कनेक्टर इज़ यूज्ड इन कनेक्टिंग टेलीफोन यूनिट्स। तो आई होप थोड़ा सा समझ गए होंगे इन कनेक्टर्स के बारे में, तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको। ये है हमारी अनशील्डेड और शील्डेड भी सेम काम करती है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सेम ही सारे सब कुछ सेम है, बस एक शील्ड लगी होती है। थोड़ा सा शील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ केबल हैज़ अ मेटल फॉइल कवरिंग विद इन केस ईच पेयर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर्स। मतलब ये जो केबल है इसमें मेटल फॉइल कवर होती है इस तरीके से, विच इन केस ईच पेयर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर्स, मतलब हर एक पेयर में एक मेटल फॉइल लगी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज पेनिट्रेशन इज प्रिवेंटेड बाय मेटल केसिंग। ये जो मेटल केसिंग है, जो शील्डिंग है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस को रोकने में मदद करती है। इट इज़ सिमिलर टू यूटीपी बट हैज़ अ स्मैश शील्डिंग दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम EMI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विच अलो फॉर हायर ट्रांसमिशन रेट। ये जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, जो STP है, ये सिमिलर है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के। इसमें एक शील्डिंग लिखी हुई होती है बस, जो प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से, जो एलो करती है हाई ट्रांसमिशन रेट। ठीक है, क्योंकि हाई ट्रांसमिशन रेट इसलिए एलो करती है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नॉइस है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे ट्रांसमिशन रेट हमारा बढ़ जाता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन कोएक्सियल एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, क्योंकि इसमें शील्डेड लगी हुई है तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो आई होप आपको ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स क्या होती हैं? देखिए, कोएक्सियल केबल्स कुछ इस तरह की होती हैं। ये विदाउट कनेक्टर है, ये विद कनेक्टर है, कुछ इस तरह की होती हैं। आपने अपने टीवी में भी देखा होगा इस तरह की केबल। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोएक्सियल केबल्स आर कॉपर केबल्स विद बेटर शील्डिंग देन ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ये भी क्या है, कॉपर केबल्स हैं विद बेटर शील्डिंग देन ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ठीक है, ये जो केबल्स हैं ये बेटर शील्डिंग प्रोवाइड करवाती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स से, जिससे क्या होता है, जो सिग्नल्स हैं ये ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक। ठीक है ना, एक हाई स्पीड पर। द शील्ड मिनिमाइज इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। जो शील्ड है वो मिनिमाइज करती है इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। कोएक्सियल केबल इज द प्राइमरी टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड बाय द केबल टेलीविजन इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो वाइडली यूज्ड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क सच एज इथरनेट। तो ये जो केबल्स हैं आपने सबसे ज़्यादा अपने टीवी में देखी होगी, जो आपके जो सेट टॉप बॉक्स लग रहा होगा उनमें सबसे ज़्यादा केबल्स आज यूज़ हो रही हैं ये, और ये इन्हें हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अब हम केबल्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कोएक्सियल केबल्स हैज़ 2 वायर ऑफ कॉपर्स। इसमें 2 वायर होती हैं कॉपर की, 1 एंड 2। द कोर कॉपर वायर इन सेंटर एंड इज मेड ऑफ सॉलिड कंडक्टर्स। इट इज़ एनक्लोज्ड इन एन इंसुलेटिंग शेल्थ। जो कोर वायर होती है वो सेंटर में होती है और बनी होती है सॉलिड कंडक्टर्स से, और वो एनक्लोज्ड होती है इंसुलेटिंग शेल्थ से। इस तरह से इस पर वाइट ये इंसुलेटिंग शेल्थ लगी हुई है। द सेकंड कॉपर वायर इज व्रैप्ड अराउंड एंड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। जो सेकंड कॉपर वायर होती है वो व्रैप्ड होती है इस तरीके से एंड यूज होती है टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी कि नॉइस से बचाने के लिए यूज़ होती है। यानी कि जो कोर वायर होती है वो सॉलिड कंडक्टर की होती है और एक्चुअल डाटा सिग्नल सेंड करती है, और जो आउटर लेयर होती है, आउटर कॉपर वायर होती है, वो प्रोटेक्ट करती है हमें नॉइस से यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से। दिस ऑल इज़ कवर्ड बाय प्लास्टिक कवर, और ये जो सारी लेयर्स हैं वो प्लास्टिक कवर द्वारा कवर्ड होती हैं इस तरीके से, एंड यूज होती हैं टू प्रोटेक्ट द इनर लेयर्स फ्रॉम फिजिकल डैमेज सच एज फायर एंड वाटर। सिंपल, ये प्लास्टिक कवर जो है वो फिजिकल डैमेज से इनर लेयर को बचाता है। तो ये है हमारी कोएक्सियल केबल्स। तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, केबल्स कितने टाइप्स की होती हैं, कनेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नहीं है, वो थोड़ा मैं डीप में जाकर आपको समझा रहा हूँ, तो आप मैं सिर्फ ऊपर समझाऊँगा कि क्या होती हैं, आप थोड़ा समझ लीजिए। तो कोएक्सियल केबल्स के थोड़ा स्टैंडर्ड देख लेते हैं। कोएक्सियल केबल्स आर कैटेगराइज्ड बाय देयर रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग्स। ईच आरजी रेटिंग्स डिनोट्स अ यूनिक सेट ऑफ फिजिकल स्पेसिफिकेशन। यानी कि कोएक्सियल केबल्स जो कैटेगराइज होती हैं वो रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग्स द्वारा होती हैं, यानी कि आरजी रेटिंग द्वारा होती हैं। ईच आरजी रेटिंग डिनोट्स अ यूनिक सेट ऑफ फिजिकल स्पेसिफिकेशन, मतलब जो इसमें क्या होता है, जो केबल्स जो है आरजी नंबर्स में आती हैं, यानी कि डिफरेंट आरजी नंबर की डिफरेंट केबल होगी, डिफरेंट आरजी नंबर की डिफरेंट केबल होगी, और ये यानी कि ये आरजी नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे देखते हैं 50 OHM और 75 OHM, ये क्या है हमारे कनेक्टर्स हैं, जो केबल्स में हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं 50 OHM और 75 OHM। इन कनेक्टर्स के बारे में भी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम बेसिक ऊपर देखेंगे कि क्या होता है। पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे 50 OHM RG7 या RG11 केबल यूज होती है विद थिक इथरनेट के लिए। 50 OHM RG58 केबल यूज होती है विद थिन इथरनेट के लिए। 75 OHM RG59 केबल यूज्ड विद केबल टेलीविज़न के लिए। तो ये OHM क्या होते हैं, जैसे हमने बताया 50 OHM, 75 OHM। देखिए OHM क्या होता है, कनेक्टर होता है, ठीक है, ये कनेक्टर होते हैं इस तरह के। देखिए ये 50 OHM में कनेक्टर होता है और ये 75 OHM में कनेक्टर होता है। इनमें देख के डिफरेंस आप समझ लो कि क्या होता है। देखिए मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होता है ये, बाकी मैं इसमें कोई ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं बस आपको ऊपर बता रहा हूँ। जैसे कि ये 50 OHM का कनेक्टर होता है, ये 75 OHM का होता है। देखिए जैसे कि ये 50 OHM का होता है, सॉरी ये 50 OHM का होता है और ये 75 OHM का होता है। OHM को ऐसे डोनेट करते हैं। देखिए और जो केबल्स आती हैं वो इस तरीके से आती हैं, इस तरह के साइज़ में। जैसे कि ये आरजी केबल यानी कि रेडियो गवर्नमेंट 11, RG11 केबल जो है, ये RG11 केबल है, ये RG6, ये RG62, ये RG59, ये RG58, कुछ इस तरह से केबल होती हैं कोएक्सियल। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कोएक्सियल केबल्स क्या होती हैं, उनके कनेक्टर्स के बारे में समझ में आ गया होगा, केबल्स के साइज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या होती हैं, कुछ इस तरह की केबल्स होती हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स। A fiber optic cables is made of high quality of thin glass या plastic and is used to transfer digital data signals in the form of light up to distance of thousands of miles। देखिए जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं ये सबसे एडवांस्ड केबल हैं, यानी कि सबसे हाई क्वालिटी जो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए अब तक जो यूज़ होता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए होता है। इसके जरिए सबसे फास्ट और सबसे तेज डाटा ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब फाइबर ऑप्टिक केबल जैसे कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो हाई क्वालिटी के पतले ग्लास से बनी होती है या किसी प्लास्टिक से बनी होती है। ये जो यूज़ होती है वो किसी पतले ग्लास या प्लास्टिक से बनी होती है, जो यूज़ होती है ट्रांसफ़र करना डिजिटल डाटा सिग्नल्स को। डाटा सिग्नल्स को ये लाइट की फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, सो नॉइस एंड डिस्टॉर्शन इज़ वेरी लेस। देखिए जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से इफेक्टेड नहीं होती, बहुत ही ना के बराबर चाहे होती ही नहीं है। तो इसमें नॉइस एंड डिस्टॉर्शन जो है बहुत ही कम होता है, या तो होता नहीं है या ना के बराबर होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैरी कम्युनिकेशन सिग्नल्स यूजिंग पल्स ऑफ लाइट जनरेटेड बाय स्मॉल लेजर्स या लाइट एमिटिंग डायोड्स। जो इसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है, इसमें स्मॉल लेज़र के जरिए जो है डाटा ट्रांसफ़र होता है इस तरीके से। जैसे कि लेज़र है LED लाइट के जरिए या स्मॉल लेज़र के जरिए इस तरह से डाटा ट्रांसफ़र होता है, बहुत ही फास्ट रफ्तार में लाइट की तरह, लाइट की स्पीड में ट्रांसफ़र होता है। देखिए थोड़ा सा इस केबल के बारे में जान लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर के बारे में। द केबल कंसिस्ट ऑफ वन या मोर स्ट्रैंड ऑफ ग्लास, ईच ओनली स्लाइटली थिकर देन अ ह्यूमन ईयर। ये जो केबल है वन या मोर स्ट्रैंड ऑफ ग्लास, देखिए इस तरह के ग्लास से बनी हुई होती है, एक या एक से ज़्यादा ग्लास से बनी हुई होती है। द सेंटर ऑफ ईच स्ट्रैंड इज कॉल्ड द कोर। जो सेंटर है ऑफ ईच स्ट्रैंड, इसे हम कोर बोलते हैं। देखिए ये होती है प्लास्टिक ग्लास की बनी हुई होती है इस तरह की, सेंटर में ये ऐसी बहुत सारी होती हैं। विच प्रोवाइड्स द पाथवे फॉर लाइट टू ट्रैवल। जो डाटा मेन डाटा ट्रांसफ़र होता है वो इस कोर इसके जरिए यहाँ से होता है, इस कोर से। इसके ऊपर एक कोटिंग होती है क्लैडिंग की। जो क्लैडिंग है ये हेल्प करती है, जो लाइट के जरिए डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो इस यहाँ से इससे बाहर निकले। जैसे यहाँ कह रहा है कि द कोर इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्लास कॉल्ड क्लैडिंग। जो कोर है वो सराउंडेड होता है लेयर ग्लास की, पतली लेयर से, एक ग्लास की लेयर लगी होती है जिसे हम क्लैडिंग बोलते हैं, जो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को इनवर्ड टू अवॉइड लॉस ऑफ सिग्नल्स एंड अलो द लाइट टू पास थ्रू बैंड इन द केबल। नो लाइट एस्केप द ग्लास कोर बिकॉज द रिफ्लेक्टिव क्लैडिंग। ठीक है, समझे? जो कोर के ऊपर एक क्लैडिंग, एक कोटिंग होती है पतले से ग्लास की, उसे क्लैडिंग बोलते हैं। ठीक है, एक लेयर होती है ग्लास की, उसे हम क्लैडिंग बोलते हैं। क्लैडिंग क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है अंदर की तरफ, जिससे क्या होता है कि जो सिग्नल जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस वो मतलब वो लॉस नहीं होते। मतलब जो लाइट जो ट्रैवल हो रही है उससे वो रिफ्लेक्ट करती है और वो लाइट मतलब जो लाइट है वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती, मतलब अंदर ही अंदर ट्रैवल करती है। तो जिससे क्या कह रहा है कि जो अवॉइड करता है लॉस ऑफ सिग्नल्स एंड एलो द लाइट टू पास थ्रू बैंड इन द केबल, और लाइट को एलो करता है कि वो केबल्स के अंदर से होके गुजरे। नो लाइट एस्केप द ग्लास कोर बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिव क्लैडिंग। मतलब ये जो लेयर होती है इसे हम क्लैडिंग बोल रहे हैं, वो लाइट को बाहर नहीं निकलने देती, इससे जो है सिग्नल का लॉस नहीं होता। ठीक है, तो ये है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बारे में। इससे कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैव मच हायर बैंडविड्थ देन मेटल केबल्स, दिस मीन्स दैट दे कैन कैरी मोर डाटा। ठीक है, इनकी फाइबर ऑप्टिक जो केबल्स होती हैं इनकी बैंडविड्थ हाई होती है मेटल केबल्स से, यानी कि जो कॉपर केबल्स होते हैं उनके मुकाबले उनकी बैंडविड्थ जो है काफ़ी हाई होती है। दैट मीन्स दैट दे कैन कैरी मोर डाटा, मतलब ये डाटा ज़्यादा कैरी कर सकते हैं। स्मॉलर साइज एंड लाइटर वेट। लो एटीन्यूएशन। अभी एटीन्यूएशन क्या होता है? देखिए एटीन्यूएशन कब होता है, जब सिग्नल्स लॉस होते हैं। जब सिग्नल्स लॉस होते हैं उन्हें हम एटीन्यूएशन बोलते हैं। और ये कब होता है, जब जो सिग्नल्स हैं वो डाटा है वो दूर तक ट्रैवल करता है, तब एटीन्यूएशन क्रिएट होता है, यानी कि सिग्नल्स लॉस होते हैं। तो ये इस एटीन्यूएशन को कम करता है। नॉट इफेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इफेक्टेड नहीं होता है। नो ईएमआई इंटरफेरेंस। सिग्नल्स कैरिंग डाटा कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वीकनिंग। जो डाटा है वो लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि दूर तक ट्रैवल कर सकता है बिना किसी वीकनिंग के। ठीक है, बिना वीक हुए। ठीक है, ये सेम ही पॉइंट हो गया लो एटीन्यूएशन का। ठीक है, ये पॉइंट सेम लो एटीन्यूएशन का है। सूटेबल फॉर इंडस्ट्री एंड नॉइजी एरिया। इसका कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर एक्सपेंसिव। हाँ, सबसे मेन डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये जो केबल्स होती हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेनेंस इज़ एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट। तो ये तो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। आई होप आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने वायर ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि जो वीडियो का सेकंड पार्ट है उसमें हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड के वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेकंड वीडियो है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।